नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, रिसेंटली ही न्यूज़ आ रही है हमारे देश के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी का एक्सीडेंट जम्मू कश्मीर में एक ट्रक के साथ हो गया है। यह तब हुआ जब सर स्कॉर्पियो से अपनी फ्लीट के साथ दो फंक्शंस को अटेंड करने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे थे। इन्होंने कुछ देर पहले ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया था और बताया था कि वो किसी लीगल सर्विस कैंप को अटेंड करने जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड की गाड़ी है सर, ऊपर केव तक जाती है। अच्छा, दर्शन करने के लिए तो अभी तो बहुत लोग आते हैं ना। बहुत दुनिया होता है, अभी तो गर्मियों में ज्यादा रश हो जाता है। ड्रेस कोड होता है कि ऐसे भी? नहीं सर, ऐसे भी। हालांकि यह एक्सीडेंट फंक्शंस को अटेंड करने के बाद लौटते समय रामबन के आसपास किसी जगह पर हुआ है। अब एग्जैक्टली ये कैसे हुआ वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे स्कॉर्पियो लेफ्ट साइड से ट्रक के पीछे घुसी हुई है। हालांकि यह टक्कर बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ और गाड़ी में भी शायद ज्यादा नुकसान नहीं आया है, सिर्फ इधर वाला साइड ही कुछ हद तक डैमेज हुआ होगा। अब इसमें कुछ जगह बताया जा रहा है कि एसयूवी को ट्रक ने आकर हिट किया है और कुछ जगह मेंशन है कि इस लोडेड ट्रक को किसी खराबी की वजह से सड़क के किनारे पार्क किया गया था और एसयूवी आकर इसमें लड़ी है। हालांकि रियलिटी क्या है वो नहीं पता, लेकिन ट्रक ड्राइवर को कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि किरेन रिजिजू जी या फिर गाड़ी में बैठे किसी और पर्सन को चोट नहीं आई, सभी बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, इसीलिए जिसने इसमें गलती की है या जिसके लापरवाही से ऐसा हुआ है, प्रॉपर जाँच करके उस पर एक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, कॉमेंट में बताइए।